इसलिए याद किया गया। वो साधु लोग आए या अभी तक नहीं आए? चारण सिंह महाराज, इस हुकूमत का राजा तो बन गया, क्या बोले, लेकिन रानी के बिना महल सुना है। तो ले आओ पर नानी को बोला ले आओ। चारण सिंह महाराज, दरबारी ऐसी बातें करना बंद कर दो, अब तुम्हें मंत्री का पद मिल चुका है। अरे तो इतनी जल्दी थोड़ा सुधर जाओ, धीरे धीरे सुधरब चाहिए। महाराज, उन साधुओं ने वादा किया था कि तीसरे दिन आकर के भावरे डलवा दूंगा, क्या नहीं? वो साधु लोग नहीं आए। अरे वो साले साधु नहीं है, सेवाजु है। अगर वो साले आए हैं और ना आएंगे, अगर वो साधु ना आए तो क्या मैं कुंवारा रह जाऊं? नहीं, शादी ब्याह का लड़का बच्चा हो, जनसंख्या बढ़ा तो जाइए। हाँ, इस गांव से पंडित जी को बुलवाइए, मैं पंडित के हाथों द्वारा अपनी शादी रचवाएंगे। लेकिन ये गांव के पंडित जी तो मर गए। मर गए? हाँ, तो शादी कौन रचाएगा? शादी तो हम कहा करा दे, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। तेरे अंदर कमी? हाँ। कौन सी कमी है? कमी यह है कि हम आधा पंडित आधा पासी है। क्यों रे? हाँ? ये कैसे हो गया? बभन पासिया है साहेब, ब्याह करा ले इसे, हुकुम हो तो ब्याह करा दे। हाँ, शादी होना चाहिए। बैठो। वैसे हमारे घर के नक्षत्र खराब है, बाप पंडित महतारी पासिन मेहरारू मिली है नाउन, तीन जात हमारे घर में घुसे हैं। अगर कहूँ कुछ करवावे को तो दू जने जाए करवाए चले आए, तीसरे के नंबर है नहीं, लेकिन हम हर तरह से खुशहाल हैं, परेशान हैं तो अपने मेहरारू से। भगवान हमका मेहरारू ना बुलडोजर आ देते हैं, मो भैया नहरिया खोदे बहाए देते हैं। इतनी अच्छी मिली है कि दिन भरे बगैर 70-75 गाड़ी नहीं दे तो होके खनवे नहीं है जब। का करी भाई, सही थी जौन आपकी लाए ही या हमार सतई मेहरारू आए। छा मेहरारू हमारे मुँहे ममूत के चली गई है, यही से ज़्यादा इगिर तिगिर नहीं गए। मो भैया एक दही लेते दहीन और ठंडकी पाए रहन, यहाँ वाई उठा स्टांग, हम यानी हमारे काने में कुप्पी की तेल डाल जा। मो भैया जब तक हमार आँखी खुले तब तक हमारे मुँहे में दो चार बूंद टपा टप चुई तो गा है, एकदम नून खा लाग जैसे कौनो खौलावा पानी डाल दिए हो। हमारे कतई के सब कीड़ा मर गए। अब बहन बोलाऊ जैसे हमारा अम्मा पर घट हो जाए। नौरिया, तुम्हारे परिवार की ये बहुत पुरानी परंपरा है, तीन जात घुसे हुए हैं ना? हा? तुम्हारे घर में तीन जात। हा? तुम्हारी बड़ी वाली बहन थी वो नारायण धोबी को लेकर के गई, छोटी बहन थी वो फजल के बेटे बनने को लेकर के फरार, जो तेरे बाप ने सलोन थाने में जाकर नाबालिग की रिपोर्ट लिखवा दिया, वो बेचारा बनने सहारनपुर में पकड़ा गया, और तुझे माँ जो थी पासी थी और तेरी पत्नी नाउन मिली, ये तो तेरे खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। लड़की को ले आओ, शादी शीघ्र होना चाहिए। वैसे साले अपने के नजीहत दूसरे के फजीहत, तुम्हारे कहाँ वाला खानदान ऊंचा है? साले दुई बहन तुम्हार रही, एक बरुआ पुल के गोलू का लड़के भागी है मोबाइल डीजे वाले का, और एक का बेचारे का लड़के भागी या बेचारा सुस्त होएगा। क्या करे, वही हम लोग जो हो गए कुआर गो, तो हम फिर आवा कहो हम बाजा देव, साले एक टू घड़ी दिए का रोजी नहीं भा, तो ना कहो तुम हमार ना हम कही तुम्हार।
जब गंगा कैसे दिल्ली सब जान रहे हैं तुम्हारो ईटा उवल लेन सब खंजर है। और वाकई में भैया पुनीत शर्मा जी गंगा कैसे वाले हकीकत पूछो तो हमारे नक्षत्र खराब है भैया। सब कुछ सही है भैया। इनके बहन जो रहे है ना वो भटनोसे के शिव कुमार गले के चली गए। हाँ यार इनके खानदान सही है। वही माँ सुस्त हो गया, सुस्त हो गया, आंखें मुंधे रहा देते हैं। लेकिन यार हम हर तरह से खुशहाल हैं, परेशान हैं तो अपने मेहरारू से। अब बहन बोलो तो हमार जैसे अम्मा पारघाट हो जाए। ओ नौनिया नौनिया कहाँ कौनो ठाकुरन किया फुसुल फुसुल लगाए हो एक दाई में अवबई न करी। नौनिया ओ नौनिया आए बच्ची जना मेरे नौवा घर आवा थे का आज गई तो के माटी जा है जा गाड़ी के कम बताओ जौन हो भिनसार के खटिया दिए लागत। नौनिया आई तोर खटिया जा आवा थे आसुए तुम्हार खटिया जाए कहे का है मरे जाए तुम्हार माटी जाए हैजा गाड़े हर टाइम आइठिन रहा थे का बता तो ना सो दुई गोला कहे के बोलाए ये बता तो का दुई गोला नहीं चार गोला चाहिए का ये बचा कहाँ रही सी करवावे गई रही नहीं कोई से अरे विवाह करवाने गई थी हम कहीं कुछ और करवावे लागी तो ये बचाओ क्या कहाँ गए ठकुरन किया गए देश का। हाँ हे नौनिया क्या है? आज तो का हिया करवा है क्या विवाह देख अपने मंत्री जी राजा हो गए हैं। हाँ अब मंत्री मैं बन गया हूँ क्यों नहीं अपनी शादी करेंगे। हाँ और दुई बच्ची के ब्याह कर लीन कुछ दी नहीं ना सलाह कर लियो जौन हम ले का तुम न लियो और जौन तुम लियो का हम न ले ठीक है का लिए हो है? नहीं पहले तुम बताओ तुम क्या लोगे तुम बचाया तुम बताओ तुम बचाया तुम बताओ भाई तुम बचाओ नहीं तुम बताओ भाई तुम बचाया तुम बताओ भाई तुम बचाओ माटी जा है जा गाड़े में हर चटा भाई एक पट्टा कराया हाथ नहीं धरे दिए बहुत कही ले छुए नहीं दे तुरंत एक का भा ए झगड़ा अगर हिता मेहरानी ना हाँ जैसे बात सातों चली गई मूत के हम मूत के चली जाए अब ना जाए नहीं तो जुगमा मिलायू का नहीं ना गंगा के सीट वाले बिचारे कहूँ से जुगाड़ लाया के तो का हमका जाए दिए हैं और अब की अगर तो चले गए तो हमका मिलबो न करे गंगा कैसेटे वाले तो हमका फंसा के तुम्हारे चले गए हैं जगड़ा वही गंगा कैसेट वाले फंसा के चले गए। हाँ। फंसाए नहीं अच्छे घर में देख तोर में नहीं मंत्री बन गए मंत्री बन गए हैं जगड़ा का अगर सहू नैन के नाम से जो है जगड़ा का ले हो तुम हम हाँ हम तो ले भैंसा और भैंसा क्या करिए भैंसा क्या करूंगी। हाँ अरे हमारे पप्पा जो दो बिस्वा के डेवरी दिए है ना। हाँ वही सो का जोतु उबे भैंसा से जोतवाई है। हाँ एक बप्पा के दुई बिस्वा के वो डेवरी नहीं जोत जात नहीं जोत जात अरे वही डेवरी में तो हम रात और दिन जुटे रही थे तो डेवरी नहीं जोत जात का बताई भैया हरो। हाँ हे दादा हरो या हैजा गाड़ा वही में रात और दिन जुटा रहा थे लेकिन के को डूब नहीं उचार पाओ नाश कहाँ से डूब उचारे तोर बाप सब बंजर के जमीन दिए सब भर ही इतनी भर हुई है दिमाग खराब हो जाए वो भैया घबरा ना आपकी तीन फरवा मिस्टर लगाएगा हम पलस दिए तो कह ले है पड़वा भैंसा लूंगी भैंसा। हाँ हम ले पड़वा भैंसी के चार सुआ अगल बगल होती वही के एक सुआ बीचे में हो और भैंसी का दुहाई पर तो दुहाई के नहीं पड़त है बाल्टी लाओ पानी के छिट्टा पर छिट्टा मार दियो अच्छा अपने आप सुआ फूल यार
और फूला नहीं वही बाल्टी में घर 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 वह दूध नहीं दे उषा माठा दे जाओ लड़की का ले आओ ब्याह करा दे नहीं भद्रा लगे वाला ब्याह खा जाए। ज्यादा बड़बड़ के न बोलो काहे नहीं उस दिन जब तुम्हारी पिटाई की थी ना उसी तरह आज भी करूंगी पिटाई तुम्हारी। कब भाई तुम हमारी पिटाई की हो है? उस दिन जो चेला लेके दौड़ी थी चूल्हे पर से छेड़े रहे थे। अरे तो इतना बात यहाँ ना बता चार मने आगे बेइज्जती ना कर। क्या मार खोल तो रहे हो तुम ही जा लेके आओ ब्याह करा दे। लेकिन तुम्हारी आज मैं पोल खोल के ही रहूंगी। पोल खोली हो? पोल ये खोलूंगी क्या कि भैया हरो जब अपने घर से ये हैजा गाड़े के घर गई रही ना है तो इतनी मोट के रही यही इतने मोट के रही यही कि के हैजा गाड़े के पाले पर गई झुराए के छुहारा हो गई के इतनी मोट या रही है कि दरवाजा चीर के हम अंदर की ना है। अरे जाओ उनकी बिछिया ए उनके बेटे जाओ लड़की लाओ यही ब्याह फाट जाए। अच्छा अच्छा ठीक है गई है। क्या है लड़की का गांठ खोद दियो नहीं बदरा लागे वाला ब्याह फट जाएगी। खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ ब्याह करा दे जल्दी नहीं ब्याह करा दे लड़का न हो जल्दी खड़े हो और ये कहती आओ रोना रोना नहीं ब्याह करा दे सात बिटिया हुई ब्याह कर के आखी निकल जाए जिंदगी भर रोई हो चलो ब्याह है के टाइम दिन आए। नौनिया क्या बात है लड़की का लो हाँ और दुल्हा का गांठ के हमसे गठा ले। क्या दुल्हा का दुल्हन के बंधन गांठ के हमसे गठा ले ऐसे बोलो तो एक भगा के लाइन हमारे तोड़ ब्याह तो भवा नहीं ना हाँ हाँ। और यही फिरा ली छुट्टी मिले तुमसे हो ही का है यही दूसरन की अरे मारी है तुम्हारा नाश हुआ और का लड़की के लाओ कुछ सफर तो है नहीं ना है टहल भूत और एक लाओ एक तो यहाँ बीचे में बीचे में आओ नौनिया का बीचे में करो। हाँ यार हमारे नौनिया का स्वभाव बहुत सही है लेकिन गांठ रही तो एक लेकिन इतना गांठी तोरे कुछ होते नहीं ना हमका लागे तो बहेल हकार अब आने का कहो तो नस होए काहे ऐ जगह नौटंकी देख के आगे खटिया जाए जाए के वही बेड पर घूम के सो जाता है मेरी फिक्र ही नहीं करता है और मैं उसी बेड पे बल खाया करती हूँ। आपकी फिक्र करो तो और बेटा टूट दो तई दूरी रहो नहीं ब्याह करा जब सात बिटिया हुए ब्याह कर कर आखिन के लिए जिंदगी भर रही हो दूरी हो ओम भाग भाग और नीचे गिर कहती ले जाओ नौरिया कहती है ओम भगवान विष्णु का नाम बहुत शिवतम कपित जब फल जा रहा नदीन आराम घासी पूछम अमरूदम पसंद तो देख तेरी सामत भाई आप ठीक तत्का और शादी हो सकती नहीं अल पापी है तो देख
लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर प्रभु से खौफ नहीं खा। तू खोटे करता तो कर्म तू खोटे करता हार और गैर की इज्जत तकता। कमीने पागल और देख जरा मड़राए रहे हैं शीश मौत पर। दोनों कौन हो? डाकू जयपाल और भूखान हो तो खाना खा। डाकू जयपाल व भूपाल। डाकू जयपाल भूखान दो बंद डाकू जयपाल भूपाल तुम बोलिए कितने धन की जरूरत तुम्हें? शादी हो जाने दो तुम मेरी बात खुशी फिर मिलेगी ना ऐसी महूरत तुझे। आज तुझको अबे रख दूंगा मैं माशी सारे बदन का। छोटे भोपाल डाकू सुनो ध्यान से जान लेने से इसकी न कुछ मिल जाएगा और पकड़ो जाने न पाए खड़ी छोड़ खड़ी। पकड़ो जाने न पाए खड़ी छोड़ खड़ी वरना इज्जत नहीं की बचा पाओगे। ये फैसला तेरे हाथ है बोल तुझे इज्जत प्यारी है या जान। अगर इज्जत प्यारी है तो मेरे साथ चल किसी भी घर में ले जाकर तुझे गोलियों का निशाना बना दूंगा। तेरी जान चली जाएगी और इज्जत बच जाएगी बोल। बता दो जान प्यारी। याद रख साले कुत्ते के हाथ मुझ रख लिया कुत्ते। ओए छातू मारूंगा साले खरबूजा की तरह खोपड़ी बाहर जाएगी। सरदार जी मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं मेरी जान क्यों न भी चली जाए क्योंकि इन कबीलों ने मुझे और मेरी माँ को बहुत सताया है। आप ले चलिए और ले चलकर मुझे जान से खत्म कर दीजिए। मैं इस संसार में जीने नहीं चाहती क्योंकि इस लड़की को इज्जत प्यारी है जान नहीं। इसे ले चलो अपने साथ किसी भी घर में ले जाकर इसे गोलियों का निशाना बना दूंगा। इसकी जान चली जाएगी और इज्जत
इज्जत बच जाएगी। पकड़ लो इसे भोपाल जी सरदार, जरा इन तीनों को कुछ सबक सिखा दे। उठा हंटर, कर दे इन तीनों को। कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाए लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं। शमशेर सिंह आज तो जा रहा हूँ, तुम्हारा आऊंगा तो हम सबों की मौत के लिए। अब ना हाय उन्हें तुहार मुंह दो। याद रखो तू भूल रहा है जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पर बारूद है। सारी गलतियां तेरी हैं। और हमार कौन गलती है यार? अगर जब मेरे हाथ में पिस्तौल होती हाँ तो रोवा उखाड़ लेते हो, पिस्तौलिया हो तो का कर लेते हो। मैं इस डाकू का नामो निशान मिटा देता। वही लाए के पैदा भायो है। आज ही मंत्री का पद संभाला और आज ही इस नतीजे पर पहुंच गए। और तुम्हू तो आज राजा बने आज हुए। मैं यहाँ शादी रचाने के लिए आया था। हम तो तुमका करवा हुआ है शादी। तुम्हारी शादी में बर्बादी हो गए। जालिम सिंह का करे जालिम सिंह, उठाओ बंदूक। बंदूक लाओ है? और इसका पीछा करो। लाओ बंदूक। पवन कुमारी को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। जा रहे हैं। शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। ठीक है हाँ, अगर जब पवन तुम्हारी को मेरे पास न पहुंचा सके तो मैं अपनी शादी तेरी बहन के साथ रचाऊंगा और जा करके अपने बाप की मोहम्मद से कह देना कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार रहे। या तो पवन तुम्हारी चाहिए या तेरी बहन। जाओ जाओ ले आओ पवन तुम्हारी को पकड़ कर। वो हमारी ड्यूटी है, जाइए आप आराम कीजिए। आप बता दे हो अब। हाँ तैयारी अब करिए। याद रखना अरे लड़की मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि तुझे इज्जत प्यारी है जान नहीं। भूपाल जी सरदार लगाओ निशाना। तीन नंबर कहने पर गोली चला देना। सरदार जी आप नंबर बोलिए। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। वाकई में इसे इज्जत प्यारी है जान नहीं। बहन बहन देखो ये तुम्हारा बदनसीब भाई। भैया आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? आपको मैंने और माने बहुत ढूंढा लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। भैया इन कमीनों ने मुझे और माँ को बहुत सताया है। भैया बहन मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बिछड़ने का बहुत बड़ा कष्ट हुआ है लेकिन बहन घबराओ नहीं और ये मत समझना कि मेरा भाई मेरे ऊपर गोली चला रहा था। बहन
मैं गोली नहीं चला रहा था, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि मेरी बहन को इज्जत प्यारी है या जान। अब हमें यकीन हो गया कि मेरी बहन जान दे सकती है पर अपने भाई के मान सम्मान को नहीं कटा सकती। इसकी आप जरा भी न चिंता करें, मैं आपकी ही बहन, क्यों ना मैं सारी जिंदगी ऐसी कुंवारी बैठी रहूं, लेकिन आपके इज्जत और मान सम्मान का मुझे विशेष ख्याल है भैया। बहन ऐसा कहकर शर्मिंदा क्यों कर रही हो, मुझे तो मारकर फेंक दिया गया था, ईश्वर ने बचा दिया जो जिंदा खड़ा हूं। और बहन देखो ये वही राजकुमार है जिसे मारकर फेंक दिया गया था। और बहन चलो मेरे साथ, जहां हमें शरण मिला है, एक नई जिंदगी मिली है, तुम मेरे साथ चलो। आओ बहन। क्या बताऊं दादाजी ने मुहूर्त गढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं, न मालूम क्या बात है, आज मैं उनका इंतजार कर रही हूं। और लीजिए लीजिए ये बहन है मेरी। क्या लीजिए लीजिए ये बहन है मेरी, और इसको समुद्र से आज लाया छुड़ा। लाया छुड़ा लाया छुड़ा, और इसको समुद्र से आज लाया छुड़ा। बेटी ये मेरी बहन है, क्या? इसे अपने अमा में रखो। दादाजी ये आपकी बहन? हाँ बेटी। अरे वाह वाह दादाजी वाह। अरे आफिर तुम को दादा मेरे आफिर। के मुसैन को छुड़ा लाए तुम, मौत के मुसैन को छुड़ा लाए तुम। बहन तेरी पवन मेरी भी है बहन, दादाजी बहन तेरी पवन मेरी भी है बहन, पिता के पास इनको मैं ले जाऊंगे, पिता के पास। ठहरो बेटी, तुम अपने पिता के पास नहीं ले जाओगी। क्यों दादाजी? क्योंकि ये छुपा हुआ राज खुल जाएगा। दादाजी आप घबराइए नहीं, ये जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर सौंप दीजिए, बहन को कुछ नहीं होगा दादाजी। बेटी मेरी भोली बहन को कुछ होने ना पाए। यही दादाजी, बहन को कुछ नहीं होगा। और दादाजी एक खुशी की बात और है। वो क्या खुशी? दादाजी जब आप लोग डाकू बनकर उस तरफ को गए तो आपकी माँ भटकते भटकते हमारे पास आ गई, और मैं उन्हें अपना माँ सामान महल में रखी हूँ। बहन कहाँ है मेरी माँ? मुझे माँ से मिलाओ भैया। घबराओ नहीं, चलो अपने मैं तुम्हारे माँ से जरूर मिलाऊंगी। बेटी सबसे पहले
चलकर माँ का दीदार कराओ। दादाजी आइए, मैं तुम्हारे माँ से चलो बेटी चलो आओ चलो। राजकुमार देखो मेरी माँ आई है और चलकर सबसे पहले माँ से मुलाकात करो। जोने आज मेरा पूरा परिवार एक एक टुकड़े के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और ये शवों का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी ही गलती से मेरा पूरा परिवार दर दर की खाक छान रहे हैं। चलो मेरे साथ सबसे पहले माँ का दीदार करो। चलिए सरदार। अरे पिताजी ये लड़ी की बहुत है दुखारी। मारी है दुख की मारी है पिताजी, आप इनको सहारा दीजिए। बेटी रूपवती, पिताजी सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम महल से बाहर नहीं निकलती हो तो ये लड़की तुम्हें मिली कहां से? हाँ पिताजी, ये बात तो सत्य है, मैं महल से बाहर नहीं निकलती हूँ। पिताजी मैं महल में थी और आपने महल में जो बाईजांग में खिड़की है और महल के बगल वाला रास्ता है, ये बिचारी उसी रास्ते से रोती हुई चली जाती थी और मैंने देखा, सोचा कि यह भगवान ये कौन दुखियारी है जो रास्ते में रोती हुई चली जा रही है। पिताजी मेरे दिल में रहा नहीं गया, मैं इन्हें दासिया द्वारा बुलवाई। पिताजी और पूछती हूँ तो ये कुछ नहीं बताती है, सिर्फ रोना। मैंने कहा रो मत, मैं पिताजी के पास तुम्हें ले चलूंगी, मेरे पिताजी तुम्हें सहारा जरूर देंगे। अब ये अपनी दुख खुद ही आपसे बताएगी पिताजी। धन्य है बेटी, धन्य है। वाह बेटी, तुम एक सम्राट की बेटी हो, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। पिताजी आओ बेटी मेरे पास आओ, घबराओ नहीं। और बता बेटी चाचा ये मेरे नहीं, मिटा दूंगा उसको और मैं इसी जहां से उस सितम कर से ढाया है जो तेरे सर पे।
बोल बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? किस मुसीबत की मारी हो? बताइए बहन, मेरे पिताजी तुम्हें सारा जरूर देंगे। राजन, मैं मुरदगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पवन कुमारी है। मैं सेनापत धीर सिंह की बहन हूँ। मंत्री शमशेर सिंह ने मुझे बहुत सताया है, मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा था। मैं किसी तरह छुड़ाकर भागते हुए आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सहारा दीजिए। घबराओ नहीं रंजीत सिंह। कहिए महाराज जी। देख रहे हो ये जो मूरतगढ़ रियासत में हो रहा है, सब सम्राट अर्जुन सिंह की वजह से हो रहा है। महाराज जी, सम्राट अर्जुन सिंह अगर शराब ही नहीं होता तो प्रजा पे जुर्म नहीं होता। लेकिन बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम हमारी चौखट पर आई हो, तुम्हें शरण मिलेगा। जैसे हमारी बेटी रूपमती वैसे तुम मेरी बेटी, घबराओ नहीं। बेटी रूपमती जाओ, इन्हें ले जाओ, किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, इनका ख्याल रखना। अच्छी बात है। और इन्हें छोड़ कर तुम मेरे पास जाओ। जैसी आप, जाओ बेटी, घबराओ नहीं। आओ बहन। रंजीत सिंह। कहिए महाराज जी। देख रहे हो मुरदगढ़ रियासत पे क्या अत्याचार हो रहा है, बड़े अफसोस की बात है। महाराज जी, मंत्री शमशेर सिंह वो बहन बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया, और कल से अगर ऐसे हालात रहे तो एक दिन ये मुरदगढ़ रियासत सारी बर्बाद हो जाएगी। बेटी रूपति। पिताजी, मुरदगढ़ रियासत पे बहुत अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं? और आज मैं मुरदगढ़ रियासत जाऊंगा और मंत्री शमशेर सिंह से टकराऊंगा, और उसकी बाजू की ताकत मैं देखूंगा, किसकी बाजू में कितनी ताकत है। जो प्रजा पे जुर्म उठा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत टूट रहा है। क्यों नहीं? लेकिन बेटी, मैं जानता हूँ वो बहुत बड़ा निकृष्ट इंसान है, वो धोखे से वार करता है। बेटी, काश मुझे कुछ हो जाए तो तुम बैठी नहीं रहना। ईश्वर ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी दिया है। लेकिन बेटी, तुम्हें एक बेटे से कम नहीं समझते हैं। औरत शिष्य की रचयिता है, अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। औरत अगर अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अगर अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। इसलिए बेटी, मैं जा रहा हूँ, लो हमारी शमशीर, काश मुझे कुछ हो जाए तो तुम बैठी नहीं रहना। आज मैं उस शराम खोर को देखूंगा, या तो शमशेर सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। रंजीत सिंह, आओ मेरे साथ। या भगवान, क्या बताऊं, आज मेरे पिताजी मुरदगढ़ जा रहे हैं जंग करने के लिए। अगर अगर आज के कोई मेरा सगा होता तो मेरे पिताजी की रक्षा के लिए जरूर जाता। लेकिन क्या करूं, दादाजी को, वो राजकुमार को मैं उनको वहां भेज नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको वहां भेजती हूँ तो ये छुपा हुआ राज खुल सकता है। नहीं पिताजी, आपके पास बेटा नहीं तो बेटी है। पिताजी, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं
आज तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर आऊंगी, जंग करने के लिए जरूर आऊंगी। बेटी आज क्या बात है जो हाथ में शमशीर और ये आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं? दादाजी क्या बताऊं, आज मैं यही सोच रही हूँ और आज मेरे पिताजी मुरदगढ़ गए हैं जंग करने के लिए, इसीलिए ये सोच रही हूँ कि आज कोई मेरा सगा होता तो मेरे पिताजी के रक्षा के लिए जरूर जाता, इसलिए आज मैं पिताजी के रक्षा के लिए जंग करने के लिए जा रही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी, ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। नहीं दादाजी, आप लोग को वहां नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोग को वहां भेजती हूँ तो ये छुपा हुआ राज खुल सकता है। लेकिन बेटी ये राज कब तक छुपाओगी? ये राज तो अब खुलना ही खुलना है। नहीं नहीं दादाजी, आप क्या कहते हैं? और बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, वफा का बदला वफा है। दादाजी आज पिताजी के रक्षा के लिए मैं जाऊंगी। दादाजी तुम नहीं जाओगी। और हाँ, कसम खाती हूँ, कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक और कमीनों हराम जादों का सर कलम नहीं कर दूंगी तब तक इस सूरत घर में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बेटी तुम नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। राजकुमार सरदार जी, ये लड़की मुरदगढ़ जा रही है शमशेर सिंह से जंग करने के लिए, लेकिन ये लड़की धोखा खा जाएगी। क्या नहीं सरदार जी? और अब बैठे रहना ठीक नहीं, नहीं सरदार। आज चलकर मुरदगढ़ की बुनियाद को हिलाकर रखूंगा। राजकुमार सरदार जी, हमारे और सम्राट और शमशेर सिंह के बीच दुश्मनी होगी, लेकिन अगर जरा से तुम मुरदगढ़ रियासत की तरफ अपने कदम हटाया तो हमारे तुम्हारे बीच दीवार खड़ी होगी। सरदार जी इसकी चिंता आप न करें, काश अगर एक बार हमारा पिताजी मेरे सामने आ गया तो आपसे पहले गोलियों का निशाना उसके सीने पे मैं बनाऊंगा। ठीक है राजकुमार, चलो मेरे साथ, क्योंकि रूपवती की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ, आज मुरदगढ़ को मैं अच्छे ढंग से लूटूंगा।